जब 2-2.5 साल की थी तब से मैं गुनगुनाती हूँ. मतलब मम्मी भी बहुत अच्छी सिंगर थी, वो रियाज करती थी तो मैं हारमोनियम के बाजू में जाके उनका सब मतलब खराब कर देती थी रियाज, और मैं खुद चालू करती थी. तब से मैं गुनगुनाती हूँ. तो उस वक्त ही मम्मी को समझ आया था कि मैं शायद गाना गा सकती हूँ. तो तब से ही मम्मी ने ट्रेनिंग देना चालू किया है. जब भी हमारी कोई टीचर नहीं होती थी एंड हम लोग क्या करते थे, मैं अपने स्कूल की बेंच में, मैं क्लास की बेंच पे चढ़ जाता था ऊपर एंड बच्चों को अपने गाना सुनाता था, पूरा एंटरटेन करता था, सब लोग को पूरा धमाल करते थे हम. तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के. मैं बचपन में जैसे मेरी मम्मी पापा आस पास के गाँव में कठपुतलियाँ बेचते थे, मैं पापेट को ऐसे करता था कि हाँ मेरे पास, तो क्योंकि बच्चे के पास अगर एक पापेट रहेगी ना वो खरीदने के लिए तो वो उससे खेलता रहेगा, पर मेरे पास बहुत पापेट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास तो खजाना एक. मेरे घर में एक फाइल है जिस फाइल में, मतलब जब भी मैं किंडरगार्टन में थी या फिर यू नो, तब से मुझे जो भी प्राइज मिले हैं अभी तक वो सब भी मेरे पापा ने रखा हुआ है. मतलब मेरा फर्स्ट पेमेंट का जो पॉकेट था, जहाँ पे भी मेरा फोटो आया है, सब चीज़ें मेरे पापा ने ऐसे संभाल के रखी है. मेरा सभी रिजल्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी रिजल्ट अभी भी मेरे घर में है. मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी ये है कि मैं और मेरी छोटी बहन सांगली समर हॉलीडेज में एक 6-7 बनानास खा के उसकी स्किन्स रस्ते पे फेंकते थे एंड वी यूज टू वेट पेशेंट कि कोई गिरता है या नहीं, और कोई कभी आज तक नहीं गिरा. अभी तक वो बनाना के स्किन्स वही पड़े हुए. मैं छोटा था ना तो मैं बहुत मिस्चीवियस था, मतलब बहुत इस वहाँ भागता था, यहाँ भागता था, एक बार गेट से बाहर निकल गया. और अभी हूँ बट उतना नहीं हूँ. तो मुझे क्या करते थे, मेरी दादी बांध के रखते थे